लोकसभा चुनाव करीब है, राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ चुकी है, तो ईडी ने भी अपनी सक्रियता बढ़ा दी है और रडार पर इंडिया गठबंधन से जुड़े नेता आ गए हैं। पुराने मामलों की फाइलें निकाली जा रही हैं और नेताओं के नाम खंगाले जा रहे हैं और बाद में उन्हें नोटिस भी भेजा जा रहा है। तो इस बार ईडी ने किस विपक्षी नेता को भेजा है नोटिस, जिस पर मच गया है हंगामा, देखिए इस रिपोर्ट में। ईडी को लेकर देश भर में चल रहे बवाल के बावजूद विपक्षी नेताओं पर ईडी की कार्रवाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। ईडी की एक तरफा कार्रवाई के चलते विपक्ष ने उसके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। उसका आरोप है कि मोदी सरकार ईडी को अपने हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है, जानबूझकर विपक्ष के नेताओं को परेशान करने की साजिश रच रही है। अभी ये विवाद थमा ही नहीं था कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को ईडी का समन मिल गया है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में समन जारी कर 11 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। बताया जा रहा है कि फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में 43.69 करोड़ रुपए के कथित घोटाले के मामले में केस दर्ज किया गया है। मामला साल 2001 से 2012 के बीच का है, जब बीसीसीआई ने जेकेसीए को राज्य क्रिकेट व अन्य खेल संबंधी गतिविधियों के विकास के लिए 112 करोड़ रुपए जारी किए थे और इसी में से जेकेसीए के पदाधिकारियों द्वारा 46.3 करोड़ का घोटाला किया गया। अब आपको बता दें कि उस वक्त डॉक्टर फारूक ही जेकेसीए के चेयरमैन थे। अब ईडी ने मामले में कार्रवाई करते हुए डॉक्टर फारूक को श्रीनगर के ईडी ऑफिस में उपस्थित होने का नोटिस जारी कर दिया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।